वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेयर मैन सजर। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो सबसे पहले हमें दो लंबा ट्रिमर मार लेना है साइडों में। पहले हमें सबसे पहले ये सेक्शन क्लिप निकाल, आपको सेक्शन निकालना है ऐसे, जैसे मैंने सेक्शन निकाल रखा है ना, आपको ऐसे सेक्शन निकाल लेना है। हल्का सा पानी मार के सेक्शन निकाल लेना है। फिर उसके बाद आपको दो नंबर मारना है साइडों में, साइडों में दो नंबर मार लेंगे जैसे मैं मार रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही मारना है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आज मैं आपके लिए बेबी कट इसीलिए लेकर आया हूँ, बहुत मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि मुझे बेबी कट बेबी कट बेबी कट, तो मैं इसीलिए आपके लिए एक बेबी कट भी लेके आ गया हूँ। अगर आपको और बेबी कट पर वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए उसके लिए भी लेके आऊँगा ज़रूर, और मैं आपको एक प्रॉपरली बिल्कुल सीजर से कैसे कट करते हैं उसकी वीडियो भी ज़रूर डालूँगा। मीडियम में भी डालूंगा और थोड़ा शॉर्ट जितना हो सकता है उतने में भी डालूंगा, तो मैं आपको करके ज़रूर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें दो नंबर साइडों में पूरा अच्छे से मार लेना है, जैसे मैं मार रहा हूँ ऐसे आप मान लेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस आपको ये समझना है मैं मार कैसे रहा हूँ। तो आप देख लो, हमेशा इतना ही मारना है जितना मैं मार रहा हूँ। आपका हेयर कट बहुत सिंपल और बहुत ईजी होने वाला है। तो फिर हम साइडों में नीचे नीचे में एक नंबर मार लूँगा। आप देख लो, एक नंबर ऐसे मार लेंगे जैसे मैं मार रहा हूँ बैक पे। इतना भी गैप दे सकते हो, इतना गैप दे के जब हम मिक्स करेंगे ना तो बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी हमारी, हमें मिक्स करने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं ज़्यादा गैप दे रहा हूँ साइड में। क्या है ना, मैं ऊपर तक ज़्यादा नहीं कर रहा, चाहे तो हम और भी ऊपर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको देखना है आपको कितना करना है, आप उतना कर सकते हो, थोड़ा सा और भी ऊपर कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, मगर मैं हल्का हल्का फिर भी नीचे ही रख रहा हूँ, जिससे कि एक मेरी प्रॉपर अच्छे से मिक्सिंग आ जाए। अगर आपको और ऊपर रखना है तो क्या होगा, हमारा ज़्यादा ऊपर तक बिल्कुल हाई फेड लगेगा, ऊपर तक बिल्कुल जीरो दिखेगा। वैसे एक नंबर है, अगर बच्चों के एकदम हम एक भी मारते हैं तो जीरो जीरो सा दिखता है, तो हमारा क्या होगा फिर ज़्यादा ऊपर तक पूरा एक नंबर क्लीन सा दिखेगा। हम नीचे रखेंगे तो थोड़ा बड़ा लगेगा, नीचे नीचे जितना रखेंगे। तो हमें पहले अच्छे से एक नंबर मार लेना है, दोनों साइड बिल्कुल बराबर रखनी है, हमें दोनों साइड चेक कर लेना है अच्छे से। जितना हमने इधर मारेंगे इतना ही हम उधर मारेंगे। आप देख लो, जैसे मैं इधर मार रहा हूँ इतना ही मैं उधर मारूंगा। मैं देखो चेक भी करूंगा एक बार, क्योंकि प्रॉपर दोनों तरफ बराबर होना बहुत ज़रूरी है, जब ये अच्छा लगता है। मैं ये देख ही रहा हूँ कि दोनों तरफ बराबर है, फिर मुझे हल्का सा इधर बड़ा लगा, ऊपर लगा हल्का सा, बहुत मामूली सा, तो मैंने क्या करा हल्का हल्का और ऊपर कर दिया इधर से। फिर मैं क्या करूँगा, नीचे वाला बटन दबा के साइड वाला पूरा नीचे कर दूँगा और फिर बालों को यहीं मिक्स कर दूँगा। आप देख लो, जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ ऐसे आपको मिक्स करना है। अब देख लो आप डेढ़ नंबर कितना ईजी है मिक्स करना, एक को और डेढ़ को मिक्स करना इतना इजी है ना। आप देख लो, जो दो नंबर मारा था और मैंने एक नंबर मारा, उसके बीच का मैं कितनी सिंपल और कितनी आसानी से मिक्स करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है ना, डेढ़ नंबर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, बस आपको अच्छे से ट्रिमर चलाना आना चाहिए। आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि हम जब ट्रिमर चलाते हैं, जब भी हम ये करते हैं, मैं आपको अभी दिखाऊँगा भी कि जब हम ट्रिमर चलाएँगे तो हमें ऊपर को उठाना है ट्रिमर लास्ट में। ये देख रहा हूँ मैं उंगली से दिखा रहा हूँ, हमें ऐसे लगाना है और ऐसे ऊपर को उठाना है, ऐसे लगाना है और ऐसे ऊपर को उठा देना ऐसे। तो हमारा क्या होगा, उससे अच्छे से ना जो डेढ़ नंबर हमने किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, जो हमने एक नंबर किया है सॉरी और दो नंबर किया है उसके जो बीच का है, जो हमने एक नंबर मारा था वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो हमने ऊपर एक दो मारा और नीचे एक मारा, बीच में क्या मारा, डेढ़ नंबर। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो डेढ़ नंबर मारेंगे वो हमें हल्का सा लास्ट में ऊपर को हल्का सा उठाना होता है, जिससे कि हमारे बाल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें अच्छे से मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है, हमारे बाल अच्छे से मिक्स होने बहुत ज़रूरी है, जब ही हमारा हेयर कट अच्छा लगेगा, वरना तो आपको पता है फिर कैसे दिखता है, पैच पैच दिखेंगे, गंजा ऐसे दिखता है, फिर जैसे लाइन दे दियो साइड में हो तो जाएगी हमारी कटिंग, मगर क्या होगा वो मिक्सिंग अच्छी नहीं दिखती कट में ना, मिक्सिंग जिसे हम बोलते हैं बिल्कुल ऐसे स्लोप लगता है देखने में, वो चीज़ नहीं दिखती, तो हमारे कट में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो अब क्या करना है, मैं साइडों में अच्छे से सीजर से मिक्स कर लूँगा, मैं जो हल्का हल्का मैंने ऊपर छोड़े थे, मैं चाहता तो उन्हें और भी छोटे कर सकता था ट्रिमर से, मगर नहीं, मैंने हल्का छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे छोड़ भी सकते हो, और ट्रिमर से खासकर इतना ही आपको छोड़ना ही छोड़ना है। नहीं पता क्या होता है ऊपर में ज़्यादा, इसलिए नहीं जाता कि हमारा अंदर को लगता है सर ना, अंदर ऐसा लगता है जैसे अंदर ऊपर से किसी ने नीचे कर दिया, दबा सा दिया, तो मुझे ऊपर तक में जब भी जाता हूँ ना तो बहुत गंदा लगता है मुझे, तो साइड ना बहुत ज़्यादा अंदर 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 लगती है, इससे क्या आता है बिल्कुल स्लोप कट आता है ऊपर तक, जो हमारा स्लोप कट जिसे हम बोलते हैं बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है ऊपर को, तो वो चीज़ आती है इसमें। तो आपको अच्छे से सीजर से मिक्स कर लेना है बाल को, कटिंग कॉम लेके, जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ ऐसे आप मिक्स कर लेंगे। आपको देख लेना है, एक नीट सा कट देना है बिल्कुल। मैं क्या कर रहा हूँ, हल्का सा एक हल्की सी लाइन दे रहा हूँ, बहुत मामूली सी, मैं यहाँ रेजर वगैरह कुछ नहीं मारूँगा,
बस सीजर से कट दूंगा और बस हम अच्छे से क्या कर लेंगे, हल्का हल्का ट्रिम कर लेंगे। बालों को पूरा अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमें अच्छे से बालों को प्रॉपरली मिक्स करना है, पूरा साइड को अच्छे से, जो मैं आपको बताता हूँ हमारे बाल अच्छे से मिक्स होने चाहिए। अब क्या करूँगा, पहले बड़े की तरफ से हल्का हल्का ऊपर के बाल कट कर लूँगा, मिक्स कर लूँगा। ये तो ऑलरेडी मिक्स ही हो जाएंगे एकदम, जैसे मैं हल्का हल्का काटूँगा ये एकदम मिक्स हो जाएंगे। सिंपल है बहुत ही, आप देख लो जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ वैसे आपको मिक्स करना है। पीछे के बाल तो बहुत ईजी मिक्स हो जाते हैं, बस आपको पता होना चाहिए हमें कैसे मिक्स करना है। और जहाँ से हमारे बाल, जहाँ से हमारे ट्रिमर, हमेशा आपको ध्यान रखना है, जहाँ जितनी हमारे ट्रिमर लगती है ना उससे ही हमें मिक्स करते ऊपर ले जाना है बालों को। धीरे धीरे हमें ऊपर के बाल बड़े करते चले जाने हैं। आप देख रहे हो मैं हल्की हल्की ही सीजर मारता हूँ, बस आपको प्रॉपरली एक साइज पे सीजर चलानी है, पूरी एक लेंथ पे चलानी है। ये नहीं कि आप उल्टा सीधा सीजर चला रहा हो, उससे क्या होगा हमारे बाल बड़े छोटे दिखेंगे। तो आपको पूरा एक लेंथ पे सीजर चलाऊंगा तो बहुत अच्छे से बाल मिक्स हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है बालों की। कहीं लगता है बड़े तो हम सीजर से भी कट कर सकते हैं, कटिंग कॉम में लेके अच्छे से सीजर से कट कर लेना, कहीं लगता है आपको थोड़ा बहुत बड़ा है तो। अब क्या करेंगे, हम साइड में हल्का हल्का कट दे देंगे। बच्चों के यहाँ बाल कम होता है तो रूंगटा होता है ना बालों में, तो उनमें ट्रिमर भी अच्छे से चल नहीं पाता, तो हमें अच्छे से फिर भी हल्का फुल्का जितना भी कट होगा लगेगा लगा देंगे। उसके बाद हम अच्छे से ये कोना चला लेना है साइड का, आप देख रहे हो जैसे मैं कोना चला रहा हूँ, ऐसे कोना चला के कट देना है प्रॉपरली। क्या होता है ना, बच्चे ज़्यादातर बहुत ज़्यादा हिलते हैं, झुलते हैं, परेशान करते हैं, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बच्चों, जब भी आप बच्चों को कट करो जितना हो सके उतना फास्ट करो, जितना हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश करो। मतलब वैसे नहीं, आप ट्रिमर का काम हमेशा जल्दी कर सकते हो, मगर हमेशा जब भी सीजर चलाओ हमेशा ध्यान रखना, सीजर कभी भी जल्दी मत चलाना, क्योंकि सीजर हल्की सी भी हमारी भेक की तो कहीं भी लग सकती है। आप ट्रिमर कितनी भी जल्दी चला लेना, मगर सीजर बिल्कुल मत चलाना जल्दी, बिल्कुल भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। और साइड, खासकर साइड में तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। हम जब कान के पास ट्रिमर चलाते, सीजर चलाते हैं, सॉरी, जब कान के पास चलाते हैं ना कैंची, जब कैंची चलाते हैं उसे हम सीजर बोलते हैं। जब हम चलाते हैं तो हमें क्या है, कान के पास बहुत ध्यान रखना है, जिससे कि हमारे कान पर सीजर ना लगे। तो इसीलिए आपको कान के थोड़े जब भी सीजर चलाना है बहुत ध्यान से चलाना है। अब क्या करूँगा, मैं साइड में पूरा यहाँ बैक पे कट दे दूँगा रेजर से। वैसे मैं बच्चों के ज़्यादातर बहुत ही कम रेजर मारता हूँ, मगर गांव की तरफ ज़्यादातर लगवा ही लेते हैं रेजर वगैरह, तो वही इन्होंने बोला था रेजर मार दो, तो मैंने इसीलिए रेजर मार दिया पूरा अच्छे से बैक पे। ज़्यादातर आप जितना हो सके रेजर मत ही मारना बच्चों के, क्योंकि ट्रिमर अगर अच्छा है तो ट्रिमर से ही बहुत जीरो हो जाता है बहुत अच्छे से। अब हमारा ट्रिमर जो है वो इतना बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे से जीरो नहीं कर पाता, इसलिए मैं रेज़र ही मार रहा हूँ। दो चार दिन या जैसे भी एक आध महीना लगेगा, मैं अच्छी ट्रिमर लाऊंगा, जिससे कि बिल्कुल एक प्रॉपरली मैं बच्चों के भी जीरो बिल, मैं रेज़र मारना पसंद नहीं करता, बहुत ही कम। और जब भी आपको कान के पास ऐसे रेज़र चलाना है बच्चों के, तो हमेशा उल्टा ही चलाना है, बहुत ध्यान से, हल्के से अगर यहाँ मारो तो बहुत ध्यान से मारना रेज़र, जितना हो सके बच्चों को उल्टा ही मारना। कोई लग रहा है एक्स्ट्रा है तो आराम से ध्यान से, क्योंकि बच्चों के बहुत जल्दी कटता है कान वान पर, आपको पता ही होगा बच्चे जरा से भी हिल जाते हैं ना एकदम कट जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमें जब भी रेजर चलाना है बहुत सावधानी से चलाना है, बहुत ध्यान से चलाना है, क्योंकि कहीं भी रेजर लग जाता है बच्चों के, बच्चे हिलते बहुत है। फिर ये बच्चा तो बहुत समझदार था, बिल्कुल भी नहीं हिला था। तो आपको इधर भी अच्छे से कट मार लेना है प्यारा सा, जैसे हमने उस साइड मारा ऐसे ही इस साइड मार लेंगे, ध्यान से मारना है, बहुत प्यार से मारना है, अच्छे से पूरा मार लेंगे कट। जैसे हमने उधर मारा ऐसे ही हम इधर मार लेंगे। आपको बहुत ध्यान से चलाना है रेजर और बहुत प्यार से चलाना है, हो सके तो साइडों में हल्का हल्का पानी भी मार सकते हैं, पानी भी लगा सकते हैं, जिससे कि बच्चों को पता ना चले हमारा रेजर सॉफ्ट चले। और कभी भी याद रखना, पुराना ब्लेड कभी भी यूज मत करना, एक रुपये का खर्चा होता है, एक रुपये का भी नहीं होता। कभी भी बच्चों के या किसी के भी पुराना ब्लेड मत लगाना, पुराने ब्लेड से क्या होता है किसी के अगर दूसरा यूज़ होगा ब्लेड लग जाता है तो बीमारी भी फैल जाती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कभी भी कोई भी बच्चा भी हो पुराना ब्लेड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, हमेशा साइडों में जब भी रेजर मारो या ब्लेड लगाओ तो हमेशा नया ही ब्लेड लगाना है। अब क्या है, हम जो हमारी पुरानी टेक्निक है उससे बाल काट रहे हैं, जब हमने शुरुआत करी थी। आपको बहुत ध्यान से काटना ऊपर का बाल, बहुत धीरे धीरे, इतने मुझे छोटे भी निकलने थे तो मैंने इसलिए पूरा प्रॉपरली सेक्शन निकाल के नहीं काटे, मैंने ऐसे नॉर्मली कट कर दिए बाल, हल्का हल्का ऊपर के, मुझे ज़्यादा छोटे नहीं करने बाल, बहुत ही हल्के हल्के कट करने हैं। बच्चे तो बहुत ज़्यादा हिलते हैं तो इसलिए बहुत ध्यान से ऊपर के बाल, ऐसे भी हम इजी काट सकते हैं, बहुत सिंपल है तरीका ये भी काटने का, मगर इससे क्या है ना हमें प्रॉपरली, मैं तो वैसे ही काटता हूँ, मगर मैं बच्चों के बाल ज़्यादातर ऐसे ही काट लेता हूँ, क्योंकि बच्चों के इतने बाल भी नहीं होते। और हम जब भी कभी भी हमें बच्चों के बाल काटने हैं
तो काटने के बाद बच्चों के आगे के बाल हमेशा कट करने ही है, इतना कट करना है आपको जो आई से हल्का सा ऊपर है, आँख जो हमारी आईब्रोज होती है उससे हल्का सा ऊपर रखना है, जितना मेरा है इतना कट कर सकते हो, इससे हल्का सा नीचे भी कर सकते हो मगर इससे ज़्यादा ऊपर मत करना। और मैंने इस बच्चे के जो कर रहा हूँ मैं बिल्कुल ठंडी ड्रायर कर रहा हूँ, बिल्कुल ठंडी है, हीट वाली ड्रायर बिल्कुल भी नहीं मार रहा। आप हीट भी मारोगे तो बहुत, आप तो बहुत ही ध्यान से मारना क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी हीट लग सकती है। और मैं जितनी पास से ड्रायर चला रहा हूँ इतनी पास से तो बिल्कुल भी नहीं चलाना, हीट भी मारनी है तो आपको जो मैं आपको प्रॉपर वैसे तरीका बताता हूँ हीट मारने का वही मारना है। ये अब मैं अब क्या हूँ ना, ठंडी ड्रायर मार रहा हूँ तो मैंने हल्का हल्का ऐसे ही मार दिया था। वैसे तो बच्चों को अवॉइड ही करना, हो सके तो ड्रायर मत मारना, ठंडी मार लेना, बाकी गर्म तो बिल्कुल भी मत मारना। तो हल्के हल्के मैं ठंडी ड्रायर से ही मार लेता हूँ, बस हल्का सा एक लुक देने के लिए, जिससे कि आपको प्रॉपरली समझ आ जाए और मुझे भी अच्छे से, मैं इसीलिए ड्रायर मारता हूँ जिससे कि मुझे भी अच्छे से समझ आ जाए। और ये हमारा फाइनल लुक है, आपको फाइनल लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और आप देख लो फाइनल लुक ये है, आपको हेयर कट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, हो सके तो हमारी वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर